हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर कंपनी लॉ, आपका पेपर का नाम हो जाएगा। और इसमें देखेंगे कंपनी अधिनियम, इसे हिंदी में बोलते हैं, और ये क्या है इस पेपर का। कंपनी जो अधिनियम, कंपनी अब देख रख सकते हैं, कंपनी लॉ मतलब कंपनी नियम या फिर कंपनी अधिनियम जो पेपर का नाम है ये। इसमें हम 2021 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो आपने देने वाले हैं, हो सकता है 2022 के जनवरी में आपका इम्प्रूवमेंट हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 2021 में ही वो माना जाएगा इम्प्रूवमेंट। तो सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आपको 2021 के इम्प्रूवमेंट में आने वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, इस वीडियो में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। सभी छात्रों से कहना चाहेंगे वीडियो को शेयर कर देंगे और एक लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इन क्वेश्चनों को याद करके 85% लाएंगे, 85% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। सेम टू सेम यही क्वेश्चन होंगे और आप बस पढ़े हुए होंगे, आप इन क्वेश्चनों को पूरा करके आएंगे। मान लेते हैं किसी को कोई क्वेश्चन भूल जाता है, उसका आंसर तो आप उसके आधार पर बना बना के लिख के आएंगे, लेकिन करके पूरा आएंगे, इस बात को याद रखेंगे। छोड़ना नहीं है आपको क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो टिक लगा लो, आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है। और जिस छात्र के एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन कह सकते हैं, जिनके भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। एमसीक्यू की पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ऐप डाल रखे हैं हमने सारे एमसीक्यू क्वेश्चनों के, आप फ्री में आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो यहाँ बात करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन पर टिक लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन है कंपनी का अर्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का अर्थ, अर्थ को ही परिभाषा कहते हैं, बात वही है, कंपनी की परिभाषा क्या होती है, कंपनी कहते किसे हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं कंपनी के, निजी कंपनी किसे कहते हैं और सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं। सार्वजनिक कंपनी कहते हैं पब्लिक कंपनी, मतलब कि कह सकते हैं इसको गवर्नमेंट कंपनी या फिर सरकारी कंपनी सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। निजी कंपनी मतलब कि प्राइवेट कंपनी कहलाती है, ठीक। इन दोनों में, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में अंतर आपको बता देना है। उसके बाद आता है कंपनी का निर्माण, के निर्माण किसे कहते हैं, मतलब निर्माण और उसके उद्देश्यों के बारे में, मतलब निर्माण कैसे होता है कंपनी का, उसका उद्देश्य क्या होता है उस कंपनी का, ये आप याद करेंगे। कंपनी के प्रबंधक और उनके कार्य क्या होते हैं, जो प्रवर्तक होते हैं कंपनी के, और कंपनी का और उसके कार्य क्या होते हैं ये याद करेंगे। कंपनी के विवरण के बारे में, प्रवीण के बारे में और उनके दोष के बारे में याद करेंगे, बस इतना पढ़ना है कंपनी में, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, और ये क्वेश्चन आप जानते हैं, यहां बोला गया है देखिए पारदर्श सीमा नियम जो होता है, पारदर्श सीमा नियम, उसकी सामग्री कौन कौन सी होती है, उन सामग्रियों के बारे में, और एक होता है पारदर्श अंतर नियम, एक होता है सीमा नियम, एक होता है अंतर नियम, उनकी सामग्री के बारे में। तो सीमा नियम सामग्री और अंतर नियम सामग्री, इन दोनों को देख लेना है। कंपनी के ऋण लेने का अधिकार और सीमा क्या होती है, देखिए कंपनी का जो ऋण लेने के जो अधिकार है और उनकी जो सीमाएं हैं वो कौन सी है, कितनी होती है, वो आप याद करेंगे। उसके बाद में आता है देखिए संचालकों का अर्थ क्या होता है, उनकी संख्या क्या, ठीक है। तो देखो संचालकों का अर्थ क्या है और संचालकों की संख्या कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और संचालकों का समान अधिकार क्या होता है, ये आप याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट टिक लगाते रहिए। प्रबंध संचालक किसे कहते हैं, देखो संचालक की जब संख्या पढ़ेंगे तो यही संचालक आ जाएगा हमारा प्रबंध संचालक, उसकी योग्यता क्या होती है, उसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। और वार्षिक साधारण सभा के, सभा से आशय क्या है इसका, वो आपको याद होना चाहिए। बहुमत, बहुमत के नियम क्या है, उसके अपवादों के बारे में, बहुमत का उल्टा क्या होता है, बहुमत देखिए बहुमत के नियम और उसका अपवाद पढ़ेंगे। और कंपनी के समापन का अर्थ क्या होता है, यदि कोई कंपनी उजड़ जाती है, वो समापन होने वाली होती है, तो उसका अर्थ क्या होता है, मतलब उसकी परिभाषा क्यों, और इसकी परिभाषा, उसकी विधि, उसकी उजड़ने की विधि क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए, ये आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंपनी के सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, सम्मेलन के बारे में, और सम्मेलन की जो आवरण त्याग विधि सिद्धांत है उसको भी आप याद कर लेंगे।
पारदर्श सीमावर्तन नियम हमने ऊपर आपको बताए थे, उसकी सामग्री के बारे में बोला था, इसमें हमें महत्व पूछा है, बात वही है, ऊपर वाला ही आप लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब वहां आपने पढ़ा होगा पूरी अच्छी तरीके से। और आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायावी विवरण से क्या होता है, इसको आप देखेंगे। अंश का अर्थ क्या होता है, अंश अंश किसे कहते हैं, और देखिए अंश का अंश किसे कहते हैं, और अंश का अधिपत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंश किसे कहते हैं, और इनकी जो कह सकते हैं वापसी खरीद क्या होती है, अंश की वापसी खरीद के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आपके बुक में होगा, नोट्स में होगा, उसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। संचालक मंडल की शक्तियों के क्षेत्र कौन कौन सी होते हैं वो आप देख लेंगे। सूक्ष्म उद्देश्यों के बारे में इसके ही आपको बता देना है, ठीक है। प्रस्ताव के भेद कितने होते हैं, या प्रस्ताव के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार से प्रस्ताव कर सकते हैं। ऋण पत्र क्या होता है बेटा, ऋण पत्र ये शॉर्ट में देखने को मिलेगा आपको, ऋण पत्र शॉर्ट में देखने को मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा अंशों का, देखिए हम अभी हमने आपको बताया था अंशों के बारे में, तो अंशों के आवंटन के बारे में बताना है, आवंटन किस प्रकार से होता है अंशों का वो देखना है। पूर्णकालीन निर्देशक क्या होते हैं ये आपको देखना है, कोरम को छोड़ दीजिए। और निष्पादक क्या होता है, निष्पादक के बारे में कह सकते हैं, बोनस जो अंश होता है, बोनस अंश उसकी परिभाषा पढ़ लेना, बोनस अंश और कंपनी की अंश पूंजी क्या होती है, बस इतना पढ़ेंगे, इससे अलावा कुछ और नहीं देने वाला हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए 2021 के इंप्रूवमेंट के, और बाद में इसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर लाएंगे, इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीकॉम पेपर हैकर दे रखा है उसको भी सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, आप अच्छे तरीके से दिल से पढ़ाई करिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, इसके अलावा कुछ और मत देखना, 85% प्लस आपके एग्जाम में मिलेगा देखने को, प्रॉमिस पक्का, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो, और फेसबुक पे अभी शेयर कर दो इसको, इस वीडियो को, ठीक है ना। बाय बाय।